हेलो गाइस, टेक सपोर्ट की इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं एयरटेल की 4G स्पीड और जियो की 4G स्पीड, देखेंगे कि इसका स्पीड ज़्यादा आ रहा है हमारे लोकेशन पे। जी हाँ, तो आप भी वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपके लिए कौन सा अच्छा है आपके पास, जहाँ पे आप कौन सी कंपनी का सिम यूज़ करते हैं, एयरटेल का या जियो का, और आपके लिए कौन सी कंपनी का स्पीड अच्छा आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर चलिए हम इसे स्पीड टेस्टर को ओपन कर लें। अब यहाँ पर हम गो पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही मैं इसे गो पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे अभी मैं एयरटेल का यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जो एयरटेल ऊपर आप देख सकते हैं, एयरटेल जो 4G है वो कनेक्टेड है और जियो जो है वो इमरजेंसी कॉल पे है, क्योंकि जो ये हैंडसेट है वो एक टाइम में एक ही 4G को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं स्पीड जो है दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डाउनलोड का स्पीड है वो हम डाउनलोड का जो स्पीड है वो हमें मिल रहा है 9 Mbps का, और जो अपलोड का स्पीड है वो लगभग 5 Mbps का मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं आप दिखाता हूँ एयरटेल का टेस्ट करके कि एयरटेल का था, मैं जियो का टेस्ट करके दिखाता हूँ कि जियो का क्या सिस्टम है, जियो में कितना स्पीड दे रहा है। तो यहाँ से मैं चलता हूँ सेटिंग में। सेटिंग में हमें जाना है डुअल सिम कार्ड सेटिंग में। यहाँ पर मैं इंटरनेट के लिए जियो को चूज करता हूँ। ठीक है, तो जियो को चूज़ करने के बाद जो हमें अब यहाँ का इंटरनेट ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जियो का जो जियो 4G का इंटरनेट जो है सिम नंबर 1 में चालू हो गया है। तो अब हम चेक करके देखते हैं जियो का कि जियो जो है यहाँ पे कितना स्पीड हमें दे रहा है। तो फिर से हम स्पीड टेस्ट को ओपन कर लेते हैं। स्पीड टेस्ट को ओपन करने के बाद जो हमें गो पे क्लिक कर देते हैं, और गो पे क्लिक करने के बाद ये कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट होने के बाद जो है अब ये स्पीड टेस्ट हो रहा है। तो भाई, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके लिए कौन सी कंपनी अच्छा है, स्पीड टेस्ट, या किस कंपनी के साथ एक इमोशनल जुड़े हुए हैं, या आपके एरिया में किस कंपनी का नेटवर्क अच्छा आता है। ज़रूरी नहीं कि देखिए कोई स्पीड अगर अच्छा देता है कोई कंपनी, तो अगर उसकी नेटवर्क हर जगह नहीं आती है तो भी प्रॉब्लम है। तो मतलब अगर आप हर जगह घूम के जाते हैं आते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम होगा कि आपको जो स्पीड है वो नहीं मिल पाएगा, यानी कि नेटवर्क ही नहीं मिलेगा। तो अगर कहीं पर स्पीड अच्छा भी आता है तो आपको वो सिम कार्ड चाहिए जो नेटवर्क हमेशा देता है। लेकिन यहाँ पे जियो जो है फेल हो चुका है स्पीड टेस्ट में। आप देख सकते हैं कि जियो का जो स्पीड है 0.78 Mbps का है, अपलोड स्पीड 0.49 Mbps का है। तो ये कई गुना कम है, यानी कि इससे 10 गुना ज़्यादा एयरटेल की स्पीड थी। तो यार, आप लोग की तरफ कौन सा स्पीड अच्छा रहता है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये तो मैंने कंपेरिजन किया है यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी तरफ जो है कौन सी कंपनी, या जियो का अच्छा स्पीड आ रहा है, एयरटेल का आ रहा है, या आप किस कंपनी की यूज़ करें, आइडिया वोडा जो भी आप यूज़ करते हैं उसके बारे में, और उसका इंटरनेट स्पीड आपको कितना आ रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।